देश में बढ़ते साइबर क्राइम के परिणामों के प्रति कार्मल स्कूल के छात्रों को जागरूक किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने छात्राओं की साइबर क्राइम से होने वाली आपराधिक घटनाओं की जानकारी दी। टंडन ने बताया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट से साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। फेसबुक आईडी हैक कर तथा एटीएम के कोड को बदल कर लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के साथ आमजन को भी सतर्क रहना होगा, जिससे इस अपराध पर रोक लगाई जा सके। इस मौके पर एसपी क्राइम आलोक वर्मा, महिला थाना प्रभारी शालिनी सिंह सहित मीडिया सेल, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल से जुड़े अधिकारी तथा स्कूल की शिक्षिका और छात्राएं मौजूद रहे। और दूसरी कंप्लेंट, किसी ने मेरी फोटो पर बात कर दी, कोई मुझे गंदे गंदे शब्द लिख रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यस सर, so there are two types of cyber crime in my country. One is bank frauds and ATM frauds, and the other one is social media. So मेरे प्यारे बच्चों, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्योंकि सब लड़कियां बैठी हो, सुनो, तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली है। सुनो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। महिला हिंडन बेस स्टेशन है एयरपोर्ट का, डायरेक्टर का नाम है कृपिका रेड्डी। क्या नाम है? इंटरनेट पे ढूंढ लेना। इसकी बच्ची छठी क्लास में पढ़ती है मुंबई के अंदर। शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फेसबुक। समझ में आया? yes, कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? महिला। कौन है? चंदा कोचर। नाम सुना है? yes, क्या है ये? ICICI बैंक की मालिक, जिसके नीचे 50,000 आदमी काम करते हैं। कौन आदमी? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। बोलो कौन है आदमी? SBI की मालिकिन कौन है? महिला। पूरी बात सुनो, पूरी घटना मेरी को फोटो खराब करके डरा गया है तो मैं डरूंगी। वेरी गुड। तो बच्चों, हमें टेक्नोलॉजी से अपने आप को एम्पावर करना है, डरना नहीं। तो कैसे करेंगे एम्पावर? पहले तो ये समझेंगे कि जो अपराध हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और 70% क्राइम यंग लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यंग लोग। ये देखो मेरे बच्चों, 2015 में मेरी पुलिस ने 5,000 लोगों को गिरफ्तार किया। 3,188 कॉलेज के छात्र थे और 98 स्कूल के छात्र थे। कितने? बच्चों, मेरे को 18 साल हो गए साइबर क्राइम सीखते हुए। कितने? 18 साल में मैंने करोड़ों केस सॉल्व किए। आज तक मैंने 60 साल का भुट्टा नहीं पकड़ा क्राइम करते हुए। अपने बेचारे भुट्टे को WW नहीं आता, हैकिंग कहां से करेगा? ये सर लो, साइबर सेल हजरतगंज, शिकायत आई 22 बैंक खाते हैक हो गए। कितने? छात्र को पकड़ा। कौन से छात्र को? अखबार की कटिंग दिखाई दे रही है। yes, no, छोटे छोटे बच्चे आजकल YouTube से क्या सीख लेते हैं? कितने नई बच्चे हैं बैठे जिन्हें हैकिंग आती है? जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। झूठी बोलना डरना नहीं। वेरी गुड। एक बच्चे ने हाथ उठाया। थैंक यू। हेलो मैम, क्या मल्टी क्लास टेंथ में आ गया मेरे बच्चा? बड़ा हो गया। फिर आ गया कैसे पैदा हुआ था।
अरे बच्चों, ग्यारहवीं कक्षा के लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई, क्यों? उसने अपनी क्लासमेट लड़की का फेक अकाउंट बना के उस पर गंदा गंदा लिख दिया, क्यों? लड़ाई हो गई थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेकअप। क्या कहते हैं? फिर फोड़ो दिन दिमाग का अपना, तीन बार ब्रेकअप करेंगे। बच्चों, हैकिंग इज अ 15 साल की बच्ची है मेरी, उसको ये लगता है कि उसे कोई प्यार। अच्छा, ये फीलिंग हम में से कितने लोगों को दिन में 10 बार आती है? हेलो, ये प्लग में उंगली डाल, छोटे वाले प्लग में, कोई प्यार नहीं करता ना। हाय मैडम, पागल कैसे कैसे चलो ओए कब टीचर्स मेंटल सिटी को समझना। अभी इन बच्चों ने आपके सामने हाथ उठा दिया, मतलब मुझसे बढ़िया पुलिस वालों को यही सारे मुजरिम अपने आप ही कन्फेस कर लेते। अच्छा सुनो, मेरा बच्चा सोचता है कि मुझे कोई प्यार नहीं। अच्छा, ये कहानी कब शुरू होती है? जादू दे रहा हूँ, मैं सुबह स्कूल आई, मम्मी घर पे थी, पहले मम्मी को पता चला तुम्हारी मेड नहीं आई। क्या नहीं आई? तो मम्मी का टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया? 50 डिग्री। मम्मी खाना बना रही थी, 3 बार घंटी बजी, खाना जल गया, मम्मी का टेम्परेचर 80 डिग्री। उसके बाद नहाने गई, गीजर फट गया, मम्मी का टेम्परेचर 95। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्ची घर आई, मामा मामा खाने में क्या बनाया? खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी का टेम्परेचर पूरी कहानी सुनो। बच्ची ने गाल पे हाथ रखा, कमरे में आई, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती। पिताजी सुबह काम पे गए, ट्रैफिक जैम में फंस गए, लेट पहुंचे, बॉस ने डांट दिया, बॉस ने टेम्परेचर 50। वहां से लौट रहे थे, किसी ने गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी, टेम्परेचर 80। घर आए, दरवाजा खोला, बिटिया ने पैर पकड़ के, पापा मुझे फोन चाहिए, पापा का टेम्परेचर धूम बड़ा। बच्ची कमरे में आई, मुंह पे हाथ, पापा भी मुझे प्यार नहीं करते।